कोहेनूर हीरा दुनिया का सब तो एक वध मशहूर हीरा है ते दुनिया के सब तो पुराने हीरिया विचों एक है, जिस बाबत इतिहासकारां दे वलों ये लिखा गया है कि इस हीरे नू वेच के पूरी दुनिया के लोगों नू 2.5 दिन तक खाना खवाया जा सकता है। अज जदों अफगानिस्तान उत्ते तालिबान के कब्जे के दुनिया भर के चर्चे ने अजिहे विच तुहानू ये भी दस दें हाँ कि कोहेनूर हीरा भी कदे अफगानिस्तान दे विच रहा आ, अफगाना दे कब्जे विच भी ये हीरा कदे रहा आ। 2000 विच जिवें वख पंजाब दे लोकां वल्लों भी मंग कीती जांदी है कि ये उन्हां दा आ, इहनू वापस किया जाए, इस तरह 2000 विच तालिबान दे वल्लों भी बरतानिया अगे ये मंग रखी गई सी कि ये हीरा अफगानिस्तान की कानूनी तौर पर एक निजी जायदाद है, इस करके इस कोहेनूर हीरे नू उन्हां नू वापस कर देना चाहिए। कोहेनूर हीरा जिसका फारसी भाषा के मतलब हुंदा है रोशनी का पहाड़, ये हीरा दुनिया का सब तो मशहूर हीरा है जिसका इतिहास बड़ा लम्मा चौड़ा है। दुनिया के कई राजां महाराजां दे कब्जे विचों हुंदा होया ये हीरा सिखां दे हाथ विच भी आया सी अते श्री अमृतसर साहिब विखे बड़ी सुरक्षा दे विच इस हीरे नूं रख्या गया सी। इस हीरे बाबत ये कहा जाता है कि अज तो तकरीबन 5000 साल पहला एक संस्कृत की लिखत दे विच कोहेनूर हीरे का जिक्र आता है जिदे विच इसनू स्यामतका का नाम दिता गया है। इस बारे वक्ो वक् इतिहासकारां दे वक्ो वक् क्यास हन, अंदाजे हन। इस वीडियो दे विच सब तो पहला आपां गल करदे हाँ कि ये कोहेनूर हीरा जिहड़ा कि दुनिया भर के वक् वक् देशां दे कब्जे विच रहा आ, इस सब तो पहला मिलिया कितों सी, कितों इहदी खोज होई जां लभिया, तां जेकर आपां इतिहास वल डूंघाई दे नाल झात मारीए तां इह पता लगदा है, इह जानकारी मिलदी है कि इह कोहेनूर हीरा भारत दे विचों ही आंध्र प्रदेश दे कोलूर दियां हीरे दियां खानां दे विचों मिलिया सी, जिथे कि अज कल सिंचाई प्रोजेक्ट दा करके वो जिहड़ियां खानां आ खानां नहीं रहियां, वो पानी दे विच पूरी तरह नाल डुब गईआं ने। ये हीरा जिहड़ा कि 304 ईस्वी तक मालवा सल्तनत दे राजिआं दे कब्जे विच रहा, उस समय तक इस हीरे नू कोहेनूर दा नाम नहीं सी दिता गया, कोहेनूर करके अज दुनिया भर विच जाणिआ जांदा है। इन्हां समयां दे दौरान ही यह हीरा दिल्ली दे सम्राट अलाउद्दीन खिलजी दे कोल भी रहा। 1526 दे विच यह हीरा मुगल बादशाह बाबर दे कोल भी रहा, उसके कोल आया। इस बाबत जिहड़ा जिक्र आ वह बाबर ने अपनी लिखित बाबरनामा दे विच कीता होया है। बाबर नू ए हीरा एक मुगल सम्राट इब्राहिम, सुल्तान इब्राहिम दे वलों दिता गया सी, भेंट किया गया सी बाबर नू। फिर बाबर तो हुंदा होया कोहेनूर हीरा पहुँच गया 5वें मुगल सम्राट शाहजहान दे कोल। शाहजहान ने इस हीरे नू अपने मयूर सिंघासन उत्ते जड़िया सी। 1658 विच जाके एक कोहेनूर हीरा पहुंचा औरंगजेब दे कोल। औरंगजेब कोल जदों ये हीरा सी कोहेनूर तां उदों इसका भार सी 793 कैरेट। औरंगजेब तो हुंदा होया ये हीरा पहुंचा औरंगजेब दे पोते महमद दे कोल, सुल्तान महमद दे कोल, पर महमद इस हीरे दी राखी जिहड़ी है उह नहीं कर सकिया, रख्या नहीं कर सकिया, तां ये हीरा हुंदा होया पहुंच गया एक फारसी लड़ाके नादर शाह दे कोल, क्योंकि महमद दे सुल्तान महमद दे समय भारत दे विच जिहड़ा मुगल सम्राज सीगा जां मुगलां दा जिहड़ा राज सी उह काफ़ी कमजोर हो चुकिया सी, ते उस सम्राज नूं उस राज नूं ढह ढेरी करन दे वास्ते भारत नूं जितण दे लई नादर शाह ने चढ़ाई की, जित लिया, ते राज भाग जिहड़ा पूरा सीगा सुल्तान महमद दा उसनूं वी काबू किया, उहदे उत्ते वी कब्जा किया, नाल दी नाल इह जिहड़ा कोहेनूर हीरा सी इह वी नादर शाह नूं दे दिता गया। पर कहिंदे ने समें नूं कुछ होर ही मंजूर सी, फिर नादर शाह नूं उसका कतल कर दिता गया, उसनू मार दिता गया, तो यह जिहड़ा हीरा सी कोहेनूर हीरा ये उसे दे ही सेनापति अहमद शाह अब्दाली दुरानी के कब्जे विच आ गया, उही दुरानी जिसनू अफगानिस्तान दे विच उत्थों दे लोग अपना राष्ट्रपिता जां अपना नायक जां अपना हीरो मनदे ने। फिर अहमद शाह दुरानी की जदों मौत हो गई, उहदी मौत तो बाद दुरानिया का राज जिहड़ा वह बहुत कमजोर पै गया, उस राज नूं मुड़ तों खड़ा करन दे लई, मजबूत करन दे लई, गद्दी उत्ते मुड़ तों काबज़ होण दे लई अहमद शाह दे वारिस शाह सुजा ने शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह तों मदद मंगी सी।
ते बदले विच 1 जून 1813 दे विच महाराजा रणजीत सिंह नू कोहेनूर हीरा पेंट कीता सी। इस तरह दुनिया दे जिहड़े वख वख राजे आ उन्हां तों हुंदा होया इहदी जिहड़ी यात्रा आ उह सिखां दे कोल इह हीरा आया। महाराजा रणजीत सिंह दे कोल जदों इह हीरा आया इसनू सिखां दी इक जिहड़ी राजधानी मन्निया जांदा है श्री अमृतसर साहिब विखे रख्या गया। पर समय नू कुछ होर मंजूर सी, सिखां दे राज दा जदों पतन हो गया तां इह हीरा सिखां दे हत्थ विच वी ना रिहा, इह चलिया गया गोरियां दे हत्थ विच। महाराजा रणजीत सिंह की मौत तो बाद ब्रिटिश साम्राज ने महाराजा रणजीत सिंह का सारा राज भाग भी अपने कब्जे के कर लिया अते नाल दी नाल ए जिहड़ा दुनिया का सब तो मशहूर हीरा सी, कीमती हीरा सी, इसनू भी अपने कब्जे के कर लिया। इहदे तो बाद अंग्रेजा ने इस कोहेनूर हीरे नू उथों दी जिहड़ी राणी सी, राणी विक्टोरिया, उसनू दे दिता 1850 ईस्वी विच। एक साल बाद इस हीरे नू ब्रिटेन दे क्रिस्टल पैलेस दे विच रखवा दिता गया। ते उस समय दे दौरान उन्हां सालां दे विच कोहेनूर हीरा बाकी हीरियां दे मुकाबले जिहड़े उत्थे क्रिस्टल पैलेस दे विच जिन्ने हीरे सी उन्हां दे मुकाबले ज़्यादा चमकदार नहीं सी। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ 1852 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਇਸ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲੀ ਗਈ ਅਤੇ ਇਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਤਾਜ ਵਿੱਚ ਜੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਖਾਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਵਸੀਅਤ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਵਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੋਹੇਨੂਰ ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਤ ਹੈ ਉਹੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁਖੀ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸਦੀ ਰਾਣੀ ਹੀ ਇਸ ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੀਰਾ ਕਈ ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਖਿਰਕਾਰ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਾਮਰਾਜ ਦੇ ਕੋਲ ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ ਕੋਹੇਨੂਰ ਹੀਰਾ। ਰਾਣੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੋਹੇਨੂਰ ਹੀਰੇ ਜੜੇ ਤਾਜ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਥੇਮਸ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ 'ਤੇ ਬਣੇ ਟਾਵਰ ਆਫ ਲੰਡਨ ਦੇ ਜੁਐਲ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ, ਇਸਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀਰਾ ਕੋਹੇਨੂਰ, ਜਿਸ ਬਾਬਤ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੇਖਕ ਆ ਵਿਲੀਅਮ ਡਲਰੇਨ ਪਲ, ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੋਹੇਨੂਰ ਹੀਰਾ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਅੰਡੇ ਵਰਗਾ ਦਿਖਦਾ ਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2.5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੀਰਾ ਇਹ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਹੀਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਨਿਆਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕੀਮਤੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੁਨਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸੁਨਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਸਾਰੇ ਅਨੁਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਹ ਹੀਰਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਹੀਰਾ ਕੋਹੇਨੂਰ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਹੀਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਹੀਰੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।